महोबा जनपद के विकासखंड कबरई की ग्राम पंचायत पलका में डीएम मनोज कुमार की उपस्थिति में जन चौपाल आयोजित की गई, जहां जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई करते डीएम के द्वारा लेखपाल समेत राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी व अधिकारियों को सख्ती के निर्देश दिए। ग्राम सभा की तालाब चक्रोड़ व अन्य सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाने को अभियान चलाया जाएगा, जो कि कब्जा न छोड़े उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखाया जाए। सभी स्थानीय कर्मचारी का रोस्टर के मुताबिक पंचायत सचिवालय में बैठकर लोगों की समस्याओं का निपटारा करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि शौचालय, आवास, पेंशन, राशन, सड़क, बिजली, तमाम तरह की शिकायतों का निदान किया जाए और कहा कि तेज गर्मी पड़ रही है, किसी भी गाँव में पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाँव के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रहे और सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाया जाए। गौशालाओं में गोवंश के लिए उचित रखरखाव की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही साथ अन्य तमाम चीज़ों को लेकर बात की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य करे और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखे।